शांति है क्या? जिंदगी की भाग दौड़ में सभी लोग ये भूल चुके हैं कि शांति किस चीज का नाम है। और यंगस्टर के लिए तो शायद ये कोई अनजानी सी चीज है। और इसकी कमी के बिना हम तनाव में हैं, गुस्से में हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। दिन भर हम पैसों के पीछे भागते हैं और रातों को अपने करियर के बारे में सोचते हैं। और हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है समाज में अपना स्टेटस बनाने की। चारों तरफ से शोर बढ़ता जा रहा है, जिसमें दब कर रह गई है तो बस दिल की आवाज। दिल में जगी कुछ ऐसी ही आस को लेकर कुछ युवाओं ने की एक शुरुआत, जिसका नाम है यूथ पीस फाउंडेशन। और इसका मकसद है लोगों में शांति की संभावनाओं को जागरूक करना। YPF की इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली थी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है, इट्स वेरी एक्साइटेड। और ये एक्चुअली पीस जिस चीज को लेकर के ये प्रोग्राम हो रहा है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करो एंड देन रीथिंक, रीडिजाइन एंड रीइन्वेंट। बहुत अच्छा था। और ये चीजें जो चैलेंजिंग और जो एकदम न्यू होती है ना, तो ये यूथ को तो एकदम अट्रैक्ट करती है। बहुत ही ज्यादा कैची है और इसलिए मुझे लगता है दैट मुझे इससे जुड़ना चाहिए। अपने इस मुहिम को लेकर YPF ने अपने नन्हे कदमों को बढ़ाया ख्वाबों में जीते हुए नन्हे युवाओं की तरफ। जिन्होंने पीस पर कुछ लिखा, What we can say on mankind? कुछ कहा और अपने ख्वाबों को कागज में पेश किया। इस पिक्चर में मैं ये शो करूं कि हम सब मिलके रह सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। मेरा पीस थीम है और मैं इसमें ड्राइंग बना रहा हूं। मेरी ड्राइंग में लिखा है कि पीस लव म्यूजिक। कुछ छोटे कदम चलने के बाद YPF पहुंचा एक ऐसी दुनिया में जहां राज चलता है मौज मस्ती और फ्यूचर प्लानिंग में डूबे युवा वर्ग का, जिन्होंने फिर से एक बार शांति को अपनी लाइफ में जगह दी, इसे अपनाया और इस मुहिम का हिस्सा बने। You just have to pick up that piece and just have to express. Only just we need a motivation. Peace starts with yourself and slowly radiates to the other people. YPF मतलब Youth Peace Foundation, इसमें मुझे बहुत मजे किए, लगातार 5 days से चल रहा है। Peace is possible. एक बड़ी सक्सेस के बाद YPF उतरा जंग के मैदान में, जहां हर रोज युद्ध होता है। कई उलझनों से जिन्हें सुलझाते सुलझाते मिलता है बहुत सारा स्ट्रेस और फिर मिलती है सक्सेस। अपनी इस स्ट्रेस भरी जिंदगी से उलझते इन लोगों ने भी हमें थोड़ा सा टाइम दिया है और अपनी जिंदगी में शांति की कमी को महसूस भी किया है। Basically, it was so good that we came to know that how we need to relax ourselves and obviously एक अच्छा माहौल बना। Normally सब लोग business में और अपने offices में इतना busy हो जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे हम लोग stress release करें। और जैसे हम लोग stress free भी रहेंगे और obviously we will have happiness and we will give happiness. जो एक्टिविटी यूथ पीस फाउंडेशन ने की है वो इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगी और रिमाइंड करवाया कि हाँ हमारे पास कितने कम दिन हैं और उस कम दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं अच्छी चीजों के लिए। अब हम मिले कुछ उन लोगों से भी जिन्हें शायद शांति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे जिंदगी में वक्त की कमी हो या फिर रंगों को देख ना पाए। हालात चाहे कैसे भी हों, पर एक चीज है जो हर पल महसूस की जा सकती है, वो है खुशी, वो है पीस, जो हर अधूरेपन को पूरा कर देती है। कारवां अब और आगे बढ़ा और इसने शहरों की हदें भी पार की और धीरे धीरे ये पहुंच गया भारत।
भारत के कोने कोने में। बदलते वक्त के साथ नए अंदाज में YPF दिलों को छू तो रहा था, पर अभी भी गुंजाइशें बाकी थी और हिम्मत भी। वक्त था कुछ और बड़ा करने का, मैदान में उतरने का, हजारों से लाखों में बदलने का। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने की पहली दस्तक। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, वेलकम टू यूथ पीस फेस्ट 2014। सजदा सारी कायनात का, सजदा। इस दस्तक से हम आपके दिलों के और करीब पहुंचे और हमने 2 लाख लोगों को शांति के लिए एक ही जगह पर साथ खड़ा पाया। अब उम्मीदों के पर लग गए और उड़ान हर दिन ऊंची होने लगी। लाइव इवेंट का सिलसिला जारी रहा। पीस की एक नई डेफिनेशन पता चली है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी से या किसी भी दूसरे मीडियम से पीस नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि पीस हर इंसान के अंदर होता है। हमें सोचना होगा कि क्या वाकई लाइक हम जिस एक दौड़ में दौड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सेशन होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखी कि जैसे पहले मैं सोचता था कि अभी कॉलेज लाइफ है तो बहुत अच्छी चल रही है, और इसके बाद जब रियल लाइफ आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या थोड़ा दिक्कत आएगी जिंदगी में, बट अब मुझे लग रहा है कि सारी जिंदगी ही ऐसे चल सकता। 2 कदम हम चले, 2 कदम आपने बढ़ाए, क्यों ना साथ मिलकर अब ऐसा जहां बनाएं, कुछ बीज बोएं मानवता के, अमन के कुछ बाग लगाएं। एक पल क्यों, एक दिन क्यों, हर रोज जिए, शांति को संभव बनाए। एक बार हमने अब खा लिया तो फिर हमको खाने की जरूरत नहीं। क्या सचमुच में तुम ये चाहोगे? सचमुच में शांति के साथ भी यही बात। हर दिन शांति की चाहत, शांति की प्यास, उस भूख के समान है। और वो भूख कब खत्म होगी? जब हरेक व्यक्ति के जीवन में वो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाएगा, तब। अरे अगर मनुष्य चंद्रमा तक जा सकता है तो क्या इस संसार के अंदर हरेक मनुष्य के लिए शांति का अनुभव संभव नहीं? जब शांति हर एक मनुष्य के हृदय में पहले से ही है, बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो है। मेरे को यहां आज आना नहीं चाहिए था, और मेरे को यहां खड़े होके जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो पहले से ही सबको पता होनी चाहिए कि शांति तुम्हारे अंदर है, और बिना शांति के इस जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आकर के ये कहे लोगों से, ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि
सूरज ऊपर है, कहना चाहिए किसी को ना, जैसे सूरज चमक रहा है और ये स्वाभाविक बात है, उसी प्रकार ये बात भी स्वाभाविक होनी चाहिए कि शांति तुम्हारे अंदर है और उसको अपने जीवन में तुम अनुभव करो। देखिए हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी कोई आसान सोसाइटी नहीं है। बाप कहता है अपने बेटे से, बेटा पढ़, दिल लगा के पढ़, मेहनत कर बेटा, ताकि बड़ा हो के बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी, छोटा नहीं, बड़ा आदमी बने। आप सोचिए जरा, अगर बाप अपने बेटे से कहे बेटा बहुत कुछ करेगा तू अपने जीवन में, बहुत कुछ करेगा तेरे जीवन में, तो दोस्त भी बनाएगा, दोस्तों को भी तोड़ेगा, जगह जगह जाएगा भी घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें भी तू खरीदेगा, बहुत कुछ करेगा तू अपने जीवन में, पर जो सारी चीजें तू करेगा बेटा, एक काम और करना, अपने जीवन में शांति की स्थापना जरूर करना। संसार में अगर अशांति है उसका कारण कोई और नहीं, कौन है? हम सब हैं, हम सब हैं।